लेटेस्ट और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए क्लिक करें बेल आइकॉन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अविनाश और आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro के बारे में। लेकिन हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही हम इसका कोई रिव्यू यहां पर करने वाले हैं, ना ही हम मैं इसका कोई ओपिनियन आप लोगों को देने वाला हूं। मैं सीधा सीधा बात करने वाला हूं कि ये जो चीज़ है वो आपके हाथ तक पहुंचेगी कैसी, मतलब कि मैं इसके फ्लैश सेल के बारे में बात करने वाला हूं, पर्टिकुलर आपको कौन कौन से एक्सटेंशन यहां पर यूज़ करने पड़ सकते हैं, आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी भी या नहीं भी पड़ेगी उसके बारे में भी आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। पीसी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए भी बताऊंगा और एंड्रॉइड के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम और आप कहते हैं चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर हैंडमेड माइक्रोफोन का जो गिव अवे वो अभी भी चल रहा है, तो वीडियो के नीचे आप लोगों को उसका जो लिंक मिल जाएगा उस वीडियो में जाना, वहाँ पर एक कमेंट करना और अगर हमारे 20 फरवरी तक 3000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर जो भी एक विनर वहाँ से हम जो है रेंडमली पिक करके उनको एक गिव अवे जो है वो दे देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले फ्लैश सेल का डेट, तो यहाँ पर बहुत गलत खबर निकल का ये पहले बोला गया है कि यहाँ पर 20 फरवरी को Redmi Note 5 का होगा, फिर 21 फरवरी को Redmi Note 5 Pro का होगा। लेकिन अभी जो खबर निकल के आई उसमें ये है कि यहाँ पर 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro दोनों का सेल यहाँ पर रखा जाएगा। इसी के साथ जो उन्होंने अपना एक टीवी लॉन्च किया है Xiaomi ने, वो स्टार्ट होगा 22 फरवरी को दोपहर 2 बजे। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो पर्टिकुलर फ्लैश सेल है वो Mi.com में और साथ में साथ यहाँ पर Flipkart.com में भी होने वाला है। अब ये दोनों अपनी अपनी तरह के अलग अलग वेबसाइट हैं। बात करते हैं सबसे पहले Flipkart.com की, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं Redmi 5 जो मेरे रेगुलर यहाँ पर व्यूअर है वो सभी जानते हो आप लोग कि यहाँ पर Redmi जो 5 है उसका अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखिए वो जो आउट ऑफ स्टॉक वाला प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या हमें ट्रिक का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और एंड्रॉयड और पीसी के लिए कौन कौन से ट्रिक यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ों के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू एक ट्रिक के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रिक नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, खाली हम यहाँ पर एक्सटेंशन के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पीसी में Mi.com के लिए और Flipkart.com के लिए अगर एक्सटेंशन आप पूछते हो मुझे, तो यहाँ पर दो तीन एक्सटेंशन है जो मुझे याद आते हैं। पहला है यहाँ पर बाय हटके का एक्सटेंशन, जो कि ध्यान से सुनिएगा Mi.com के लिए अच्छा है बाय हटके का एक्सटेंशन। इसी के साथ दूसरा है यहाँ पर प्राइस ट्रेकर में अगर आप अभी भी जाकर देखेंगे तो वहाँ पर Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro का यहाँ पर आ चुका है Flipkart के लिए। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं flashsaletricks.com का है, लेकिन ऑन एवरेज है उतना अच्छा नहीं लगता वो मुझे एक्सटेंशन। चौथा नंबर यहाँ पर एक फाइल सोपे ऐसा करके कुछ एक्सटेंशन है, उसका भी उपयोग आप कर सकते हो पर्टिकुलर Flipkart या Mi.com से बाय करने के लिए। अगर आप मुझे पूछते हो कि ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि सेम नेट स्पीड में गूगल क्रोम ब्राउज़र कितना स्लो है और सेम नेट स्पीड में पफिन ब्राउज़र कितना फास्ट है। मतलब कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पफिन ब्राउज़र में तो कोई एक्सटेंशन ऐड होता नहीं है गूगल का, जो भी गूगल वेब स्टोर का, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब कि बिना किसी ट्रैक के पफिन ब्राउजर आप ट्राई कीजिए। यही सेम चीज मैं आपको एंड्रॉइड के लिए भी बोलूंगा कि आप एंड्रॉइड में भी अपना पफिन ब्राउजर जो है वो डाल के रखिए और वहां पर भी आपका बाय हो जाएगा। इसी के साथ एंड्रॉइड के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर यूसी ब्राउजर का यूज करते हैं तो वहां पर आप Flipkart का जो लाइट वर्जन है वो ओपन कीजिए और वहां से भी आप आसानी से बाय कर सकते हैं। मैंने ऑनर का 9 लाइट भी वहीं से बाय किया है बिना किसी ट्रिक के मोबाइल से। तीसरा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक हमारे दिल्ली के हैं जो कि हैं जय कपूर, उनका एक चलता है फ्लैश सेल हेल्पर के नाम से ऐप, आप सभी को पता होगा। तो वो ऐप अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर सकते हैं अगर उनका पर्टिकुलर अपडेट आ जाता है उसमें Redmi Note 5 और Note 5 Pro के लिए Flipkart.com के लिए। उनका जो ऐप है उसमें आप केवल या तो अमेज़न से कर सकते हो या तो फिर क्या कर सकते हो Flipkart.com से ही कर सकते हो। तो Flipkart.com में ही है हमारा सेल, तो यहाँ पर आप वहाँ से जो है उनका ऐप इंस्टॉल करके रख लीजिएगा, अगर अपडेट आता है तो आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं Mi.com की अगर बात करता हूँ तो आप यहाँ पर Mi स्टोर से भी ट्राई कर सकते हैं मोबाइल में। अगर आपकी नेट स्पीड बहुत अच्छी है तो आप Mi स्टोर से भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं 22 फरवरी के दिन। अब बात करते हैं यहाँ पर Mi.com में एक्सटेंशन के लिए, तो जी हाँ यहाँ पर बाय हटके का जो एक्सटेंशन है उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जो कि Mi.com में बहुत अच्छा काम करता है और बहुत ही फास्ट काम करता है Mi.com के लिए। दूसरा यहाँ पर आता है प्राइस ट्रेकर वगैरह, तो जहाँ तक मुझे याद आता है उतना
है शायद उसका भी, हाँ प्राइस ट्रैकर का भी है यहाँ पर, बाकी का flashcelltrees.com का भी है यहाँ पर, लेकिन flashcelltrees.com का मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब कि समझ में नहीं आता वो काम कर भी रहा है कि नहीं भी कर रहा है। तो ये मेन चीज़ें आप लोगों को बताना था मुझे, और मैं बताऊंगा आगे ट्रिक आने वाले दिनों में, मैं लाइव प्रूफ भी लाने की कोशिश करूंगा और साथ में आप लोगों को जो है ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई ट्रिक यूज़ नहीं करना है, कोई झंझट में नहीं पड़ना है, तो सीधा सीधा पफिन ब्राउजर का आप यूज़ कीजिए और यहाँ पर आप आसानी से 22 फरवरी को जो है बाय कर पाएंगे, आई होप। अब आपको काम यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने जो शुरू में आपको गिव अवे वाले बताया था उस वीडियो को जाकर आप एक कमेंट करना है। दूसरा काम आप मुझे नीचे कमेंट करके एक काम बताइएगा कि आप कौन सा वेरियंट यहाँ पर लेना चाहते हैं, रेडमी नोट का जो भी आया है, नोट 5 या नोट 5 प्रो। इसके बाद पर्टिकुलर अगर आपको ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक आप यहाँ पर दे दीजिएगा, और इसी के साथ अगर आपको लगता है कि बंदा थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मेहनत तो कर रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं अविनाश मौर्य आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।